हेलो भाइयों, मैं हूं प्रफुल्ल धाकड़। आज हम देखने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो का कंपैरिजन। बाकी और वेरिएंट बता दूं, जी ये अपने को LXi मिल जाता है और ये अपने को मिल जाता है VXi प्लस, जो कि टॉप वेरिएंट है। बाकी सबसे पहले आप लुक देख लो, बाकी प्राइसिंग वगैरह भाई सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और आप बाकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना प्राइस। तो यहाँ पर बात करते हैं, फ्रंट में अपने को दोनों तरफ भाई हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं, बाकी इंडिकेटर ऑलमोस्ट सेम है, बट फ़र्क इतना है भाई ये लगती है अपने को एक हैचबैक, बाकी ये थोड़ा एसयूवी वाला फील इसमें अपने को मिल जाता है। और इसका डिज़ाइन भाई काफ़ी बॉक्सी सा है। ग्रिल की बात करें तो इसमें अपने को काफ़ी बड़ी ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे अपने को दो पार्ट्स में अपने को ग्रिल मिलती है, बीच में अपने को जो नंबर प्लेट है वो लगा सकते हो आप। बाकी अगर इनकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो अल्टो के 10 की लेंथ है 3530 mm की, वहीं अगर एस्प्रेसो की बात करें तो उसकी अपनी मिल जाती है 3565 mm की, ऑलमोस्ट 35 mm का इनका लेंथ में फ़र्क है। अगर इसकी मैं विड्थ की बात करूं तो 1490 mm की विड्थ है और उसकी 1520 mm की विड्थ है। हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट है 1520 mm की इसमें अपने को हाइट मिलती है, और इसमें अपने को हाइट मिलती है 1550 mm की, ऑलमोस्ट 30 mm का फ़र्क। और व्हील बेस की बात करें दोनों को सेम मिलता है 2380 mm का। टर्निंग रेडियस की बात करें 4.5 meter का टर्निंग रेडियस दोनों में मिल जाता है। वारंटी 2 साल 40,000 km की, वो भी दोनों में मिल जाती है, बाकी इसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो। तो ऑलमोस्ट भाई इसमें 20 से 30 mm के लगभग इसमें अपने को अंतर मिल जाता है एस्प्रेसो में और ऑल्टो में। ऑल्टो की 30 mm कम है लेंथ और इसकी 30 mm ज़्यादा है, और वो आपको बाहर से देखने में फ़र्क पता चल रहा है। रियर में बात करें तो इसकी अपने को हेलोजन टेल लैम्प मिल जाती हैं, और इसकी भी अपने को हेलोजन टेल लैम्प मिल जाती हैं। बाकी मारुति का लोगो है, ऑल्टो के 10 की बैजिंग है, और दो रिवर्स सेंसर इसमें अपने को मिल जाते हैं भाई। इसमें भी दो रिवर्स सेंसर, मारुति का लोगो है, इधर से आप बटन लॉक कर सकते हो, एस्प्रेसो की बैजिंग है, और इधर पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। बाकी टायर साइज़ की बात करें तो इसमें अपने को मिलते हैं 14 इंच के टायर 165/70R14, बाकी इसमें मिलते हैं अपने को 145/80R13 के। तो इसमें अपने को 13 के टायर मिलते हैं और इसमें अपने को 14 के टायर मिलते हैं। ये तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में अगर बात करें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पड़ती है अपने को 163-165 mm, और इसकी पड़ती है 180 mm। तो अगर गांव में अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी सड़क के मुकाबले अगर बात करें तो। वहीं अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में अपने को ऐसा कुछ इंटीरियर मिलता है, 3 spoke स्टेयरिंग व्हील है, एसी वेंट्स हैं, बाकी इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता क्योंकि बेस वेरिएंट है। एसी कंट्रोल्स हैं ऐसे कुछ, 2 कप होल्डर हैं, बाकी 12V का पोर्ट और ऑक्स यूएसबी कुछ नहीं मिलता, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, और इधर पे अपने को हैंड ब्रेक मिल जाए, स्पेस है, पेडल्स हैं, इधर से आप अपना बोनेट ओपन कर सकते हो, बूट और फ्यूल लिड अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे अपने को मिलती है टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, बाकी इधर अपने को पावर विंडो वगैरह कुछ नहीं मिलती। वहीं अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे अपने को स्क्रीन मिल जाती है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों का सेम है, बस उसमें अपने को एवरेज रेंज वगैरह नहीं बताएगा। बाकी इसमें एसी के जो पैनल है वो पूरा सेम है, इसमें अपने को पावर विंडो मिल जाती हैं, यहाँ पे अपने को मिलता है 12V का पोर्ट और ऑक्स यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है, तो ये काफ़ी उससे प्रीमियम लगती है। बाकी इधर अपने को मिलते हैं 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअल हैंड ब्रेक ये वाला, बाकी सेंटर कंसोल है वो पूरा सेम है, बस उसमें अपने को 12V का पोर्ट नहीं मिलता, स्क्रीन नहीं मिलती और पावर विंडो नहीं मिलती। रियर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपने को मिलते हैं मैनुअल विंडो, और इधर से लॉक अनलॉक कर सकते हो, बाकी इसमें स्पीकर नहीं मिलते। अंडर साइज सपोर्ट की बात करें तो अपने को ठीक ठाक मिल जाता है, और ऐसा कुछ है इसका डैशबोर्ड। इसमें बात करें
तो इसका अंडर थाई सपोर्ट दोनों को ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भाई 19-20 का फ़र्क है, तो इतना कुछ पता चल नहीं रहा। बाकी इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें अपने को बैठने में मज़ा भी आ रहा है। आप देख सकते हो इसका ऐसा कुछ डैशबोर्ड, बाकी इधर से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, डोर हैंडल है, इसमें भी आपको मैनुअली एडजस्ट करना, बस फ़र्क इसमें इतना है दो पावर विंडो मिल जाती हैं। वहीं अगर भाई अल्टो का VXi प्लस जो टॉप वेरिएंट है उसमें अपने को पावर विंडो मिल जाती हैं। और ये भाई आप ये मत बोलना कि भाई ये बेस वेरिएंट है और ये टॉप वेरिएंट है, आप कंपैरिजन कर रहा हो, मैं सिर्फ इतना कंपैरिजन कर रहा हूँ डायमेंशन के बेसिस पे। फीचर्स भाई मुझे भी पता है, दोनों में दो एयर बैग हैं, ABS, CVT है, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आईसोफिक्स चाइल्ड सीट, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम सब में मिल जाता, उसमें भी स्क्रीन मिल जाती है, इसमें भी मिल जाती है। वो तो अभी भाई ये वो वाला वेरियंट है नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अपना जब टॉप वेरियंट आ जाएगा तो मैं उसके ही बता दूंगा। बाकी यहाँ देखें तो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORV मिल जाते हैं, वहाँ अपने को हाथ से करने पड़ेंगे, स्टिक वगैरह भी नहीं मिलती, पेडल्स ऑलमोस्ट सेम है, बाकी ये लाइट के कंट्रोल भी सेम मिल जाते हैं, बूट का अपना ये भी सब सेम मिल जाता है, फेंडर पे इंडिकेटर है। बाकी अगर बूट स्पेस की बात करें यहाँ पे अपने को मिल जाती है 270 लीटर की बूट स्पेस। बाकी स्पेयर व्हील की बात करें तो अपने को यहाँ पे मिल जाता है, उसकी प्रोफाइल भी अपने को सेम मिल जाती है 14 इंच की। वहीं अगर अपन अल्टो की बात करें बूट स्पेस की तो वहाँ पे अपने को मिलती है 217 लीटर की बूट स्पेस। और इंजन ऑप्शन की बात करें दोनों में तो इसमें अपने को मिलता है 1000 cc का K10 मारुति का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, इसमें अपने को मिलती है 58 BHP की पावर और 82 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें 21-22 के लगभग मिलेगा। और यहाँ पे अपने को मिलता है 1000 cc का वही सेम मारुति का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, इसमें अपने को मिलती है 67 BHP की पावर और 90 Nm का टॉर्क, इसमें अपने को मिलता है 22 का माइलेज। बाकी माइलेज सेम है, इसमें थोड़ी अपने को पावर कम मिल जाती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है। और इसमें अपने को जो CNG इंजन वेरियंट मिलता है उसमें अपने को मिलती है 58 BHP की पावर और 70-75 Nm के लगभग टॉर्क। तो अगर इसका CNG देखें और इसका पेट्रोल देखें तो ऑलमोस्ट इनकी पावर सेम है, बाकी इसकी CNG की पावर थोड़ी और कम होगी। बाकी प्राइसिंग वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं भाई इन दोनों में से लेनी कौन सी चाहिए। दोनों के अगर टॉप वेरिएंट में देखा जाए तो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ भाई, जिसको गाड़ी अगर सिटी के लिए चाहिए तो वो ऑल्टो की तरफ जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है भाई आप टॉप वेरिएंट लो, आप VXi भी ले सकते हो, वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। बाकी कुछ चीज़ आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हो स्क्रीन वगैरह। और अगर एस्प्रेसो लेना है तो आप अगर आप गांव के लिए चाहिए तो आप एस्प्रेसो ले सकते हो, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस उसमें थोड़ी ज़्यादा है तो भाई आपकी गाड़ी नीचे से टिकेगी नहीं, तो आपकी ऑयल चैम्बर वगैरह सुरक्षित रहेंगे। और बाकी आपको अपनी चॉइस के हिसाब से लेना है भाई, आप ये भी ले सकते हो, बस इसको थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा गांव पर। अगर सिटी के लिए तो ये गाड़ी ज़बरदस्त है। रोड प्रेजेंस की बात करें, ये गाड़ी और ये गाड़ी की रोड प्रेजेंस में अच्छी ये ज़्यादा लगती है, वो थोड़ी कम लगती है, वो थोड़ा उसका बॉक्सी सा लुक है, इसका थोड़ा अपना स्पोर्टी टाइप का लुक है। गाड़ी हैं दोनों अच्छी भाई सेम है, बस 30-35 Nm अपना इसमें डायमेंशन का फ़र्क है और लुक्स का 19-20 का फ़र्क है। दोनों गाड़ी बेहतरीन है, जौन सी आपको लेना चाहिए। अगर मैंने वो बता दिया ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए भाई ये ले लो, नहीं तो ये ले लो। यही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।